हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिस्ट सुख चैनल। तो आज हम बनाते हैं नेचर का एक सुंदर सा ड्राइंग, वो भी 20 रुपये वाले रंगीला कलर से। इसी के साथ हम मैंने यूज़ किया है ब्लू कलर में ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर अच्छे से ब्लेंड कर मैंने यूज़ किया है इसके अंदर। आप भी इसे करें। जैसे मैं ब्रश चला रहा हूँ उसी तरह आपको भी ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। पॉइंट ब्रश, फ्लैट ब्रश यूज़ कर सकते हो। छोटा था ड्राइंग इसीलिए पॉइंट ब्रश यूज़ किया है। और इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा शेडो गिरने के लिए वाइट मिक्स कर वही कलर में उसके ऊपर लगा देना चाहिए। और उसके बाद में ब्लू कलर में वाइट थोड़ा ज़्यादा मिलाकर स्काई कलर कर लेना पड़ेगा। और उसी के साथ ब्लैक में ब्लू में थोड़ा ब्लैक मिलाकर थोड़ा ऊपर से नीचे की तरफ कलर लगाना पड़ेगा। उसके बाद में ब्लू कलर का यूज इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लेंड कर लेना पड़ेगा। सर उसी के साथ पानी के लिए थोड़ा लाइट वाला कलर यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए ब्लू कलर को पानी जास्ती यूज़ कर ब्लू कलर यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद वाइट कलर का इस्तेमाल करते हुए मून को फिल कर लेना पड़ेगा पानी में भी, और उसी के साथ आसमान वाले मून को, दोनों तरफ के मून को वाइट कलर से फिल कर लेना पड़ेगा। इसी के साथ थोड़े बहुत पैचेस, थोड़े बहुत मून के अंदर ब्लू और थोड़े ग्रे कलर्स के थोड़े पैचेस दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि मून तो पूरा वाइट नहीं होता है, थोड़ा बीच बीच में तो थोड़े डॉट्स ऐसे वगैरह हो जाते हैं। इसके बाद में ट्री के लिए ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट एक लाइन लेनी पड़ेगी। इसके बाद में ट्री का डिज़ाइन स्ट्रक्चर्स डालना पड़ेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही कर लेना फ्रेंड्स। इधर मैंने ब्लैक कलर का ही इस्तेमाल किया है, ग्रीन कलर का तो रात के समय में उतना नहीं दिखेगा, उसके लिए शेडो डार्क ब्लैक होगा। फुल ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया है मैंने पेड़ों पर। उसके बाद में थोड़ा ग्रीन का यूज़ किया है, आगे देखते हैं। चलो वीडियो के साथ आगे बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करते हैं। पहला इतना कर लो, आसान सा है ड्राइंग, उतना भी कुछ टफ नहीं है। 20 रुपीज़ वाले रंगीला कलर से हम बहुत ही अच्छा ड्राइंग बना सकते हो। आप देख सकते हो कितना अच्छा बना हुआ है ड्राइंग, आप भी बना सकते हो इसी तरह का ड्राइंग। मेरा हिंदी थोड़ा कमज़ोर है फ्रेंड्स, संभाल लेना, अगर कोई गलती हो गई मेरे तरफ से हिंदी में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना फ्रेंड्स, कोई करेक्शन होगा तो बता देना, कर लूँगा मैं। जैसे मैं ब्रश चला रहा हूँ ना फ्रेंड, उसी तरह से आपको भी ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लेफ्ट है वीडियो, आगे वाले वीडियोस थोड़े बहुत टाइम लेफ्ट कम करके धीरे दिखा दूँगा फ्रेंड्स। हाँ, यहीं पर देखना फ्रेंड्स, ग्रीन के अंदर थोड़ा सा वाइट मिलाकर थोड़े बहुत पैचेस देने पड़ेंगे शेडोज़ लाइक, और शेडोज़ गिरते हैं ना फ्रेंड्स, उसके साइड में ब्लैक हो जाएगा और एक बाजू वाइट तो दिखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो ग्रे ग्रीन ग्रीन ग्रीन। इसी के लिए ग्रीन का थोड़ा इस्तेमाल किया है मैंने हाइलाइट्स के लिए, ब्लैक कलर के पेड़ पर, मीन्स ग्रीन ही पेड़ था उसको मैंने इसी के ऊपर थोड़ा बहुत ग्रीन का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद उसके नीचे थोड़े बहुत ग्रास निकालने पड़ेंगे, अच्छा दिखेगा, जितने ग्रास होंगे उतना अच्छा दिखेगा ड्राइंग। सो मीन्स झाड़ के नीचे कितने ग्रास होंगे तो अच्छा दिखेगा। एक लड़का बना देना पानी के अंदर बोट के में बैठा हुआ,
काफ़ी अच्छा दिख जाएगा इसके कारण ड्राइंग। और उसके बाद पानी के लेयर्स होते हैं ना, उसके लिए हमको वाइट कलर का इस्तेमाल करते हुए थोड़े बहुत लाइन्स डाल लेंगे। उसी के बाद में लास्ट को हमको थोड़ा बहुत वाइट कलर लेकर छिड़कना पड़ेगा स्काई के अंदर स्टार्स के लिए। इतना ही था फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।